हमारे साथ बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। मैक्सिमम 60-70% ही लोग मास्क पहन रहे थे, काफी कड़ाई की, और फिर जब पुलिस की गाड़ी आती तो पहन लेते, अदरवाइज नीचे करके घूमते रहते थे। और जितनी तरीके की अफवाहें आ रही हैं, हम लोग जिला स्तर पर टास्क फोर्स है, हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कौन कौन सी अफवाह चल रही है, उसको तथ्यों के साथ डॉक्टर्स की टीम भी जाके लोगों के बीच उसको काटती है। लोकल एक ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग शुरू करा दिए थे ससमय, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु हुई हो। एक बैलेंस बनाने की हमेशा जरूरत होती है कि कितना लॉकडाउन किया जाए, कितना रिस्ट्रिक्शन किया जाए। कहीं हमेशा परमानेंट लॉकडाउन लगा देंगे आप, बहुत लंबे समय के लिए लगा देंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि जितनी ज्यादा हम लोग कोरोना वायरस से मृत्यु को बचा रहे हैं, उससे ज्यादा मृत्यु बेरोजगारी से हो जाए, तो भुखमरी और बेरोजगारी से हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। डीएनपी इंडिया पहुंच चुका है दिल्ली से बिहार राज्य में, और बिहार राज्य के अलग अलग जिलों में हम जनप्रतिनिधियों से और सरकारी अधिकारियों से कोरोना के प्रति बात कर रहे हैं और राज्य में जो है जागरूकता फैलाने के काम कर रहे हैं। आज हम बेगूसराय जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले आप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेगूसराय और राज्य में जो कोरोना महामारी की स्थिति है, खासकर वैक्सीनेशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है सर कि अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में 10,80,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, राज्य में लगभग 6,500 सक्रिय मामले हैं, और बेगूसराय जिले की बात करें तो लगभग 190 के आसपास सक्रिय मामले जिले में हैं। ऐसे में राज्य में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों में एक ढिलाई देखने को मिल रही है। ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी कल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था कि अभी मैंने पटना का दौरा किया और देखा कि कई जगहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इस पर बिहार की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही अपील करूंगा कि जब हम लोग लास्ट ईयर देख रहे थे, जब कोरोना आया था, तो उस समय लोगों में उतना डर इसके प्रति नहीं था। हम लोग ने काफी अवेयरनेस किया, तब भी देख रहे थे मैक्सिमम 60-70% ही लोग मास्क पहन रहे थे, काफी कड़ाई की, और फिर जब पुलिस की गाड़ी आती तो पहन लेते, अदरवाइज नीचे करके घूमते रहते थे। इस बार जब केसेस बढ़े और ज्यादा गंभीर स्थिति हुई थी, तब हम लोग कड़ाई भी किए थे, साथ ही साथ खुद भी लोग अवेयर हुए थे। और एक समय ऐसा था कि हम लोग यहाँ के मार्केट में देख रहे थे 100% लोग मास्क को भी सही तरीके से पहन के घूम रहे थे, बोलते समय नीचे भी नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि केसेस कम हो रहे हैं, और ऐसे में बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि कहीं कहीं पे लोगों में थोड़ी थोड़ी लापरवाही दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है, और यही कारण रहा है कि हम लोग फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव पुनः इतना गंभीर हुआ, ये लापरवाही भी एक कारण है उसका। तो मैं लोगों से अपील करूंगा बेगूसराय जिला के, ये कतई मत माने केसेस कम हो रहे हैं तो कोरोना खत्म हो गया है, बिल्कुल मत माने। जितना गंभीरता से कुछ दिन पहले आप सभी लोग सतर्क थे, जागरूक थे, मास्क पहन रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकल रहे थे, सामाजिक दूरी का अनुपालन कर रहे थे, उतनी ही सतर्कता अभी भी जरूरी है, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि पूरी तरीके से कोरोना देश से और पूरे वर्ल्ड से खत्म नहीं हो जाता। तो हम लोग को जागरूकता जारी रखनी होगी और अपना बचाव करना होगा। बात करते हैं सर वैक्सीनेशन के बारे में, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर बात करते हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की तो अभी भी वैक्सीन लेने में कई लोग जो है आनाकानी कर रहे हैं, डर रहे हैं वैक्सीन से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में वैक्सीन कैंपेन शुरू हुआ, उस कैंपेन में 12 घंटों में बस 3 लोग आए वैक्सीन लेने के लिए। सोचिए जरा कि कितने लोग जो है इनको जागरूकता की जरूरत है, जागरूक करने की, तो इस पर प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? इसपे देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कारण जानना जरूरी है कि किस कारण से लोगों में रिफ्यूजल आया, क्योंकि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कि काफी संख्या में लोग आके वैक्सीनेशन करा रहे थे शुरू में। कुछ एक अफवाहों के कारण, जैसे जो प्रमुख उसमें से हैं कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चल गया था कि जितने लोग वैक्सीन ले रहे हैं 2 साल में सबकी मृत्यु हो जाएगी, एक अफवाह ये चली थी। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि इससे इनफर्टिलिटी होती है, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि वैक्सीन जो लेता है उसकी डेथ हो गई। तो इन सभी गलत न्यूज के कारण और गलत अफवाहों के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो गई, क्योंकि लोग स्वयं से ऐसा नहीं था कि शुरू से ही रिफ्यूजल के मूड में था। तो ये सब कारण हम लोग जानने के बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम, इसमें जीविका की टीम, जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक आईसीडीएस की पूरी टीम, और ब्लॉक स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों के नेतृत्व में, और जिला स्तर पर हमारे अध्यक्षता में टास्क फोर्स है, डेली हम लोग बैठते हैं और डेली जागरूकता अभियान हम लोग पूरा प्लान किए हुए हैं। और टीका एक्सप्रेस, जो बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में टीका एक्सप्रेस जाती है
वैक्सीनेशन के लिए व्हीकल, उसका पहले से ही हम लोग शेड्यूल बनाए हुए हैं कि किस गांव में किस तारीख को जाएगी और एक दिन में वो व्हीकल किस किस स्थल पे टीकाकरण करेगी, और इसकी जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को पूर्व से ही सभी ICDS की जो टीम है, सेविका सहायिकाएं, उनके माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले ही हम लोग गाँव में इस खबर को फैला देते हैं कि आपके यहाँ पे इतने तारीख को आएगी। और जिस दिन वैक्सीनेशन होना होता है उसके एक दिन पहले भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और NYC और प्रखंड स्तर के DPM होते हैं जीविका के, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, ये लोग जाते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं, और जब अगले दिन टीम जाती है पुनः ये लोग वहां का निरीक्षण करते हुए अगले दिन के लिए फिर स्थलों पर जाके करते हैं। तो डेली बेसिस पे हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के मीडिया, बेगूसराय की मीडिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, यहाँ जनप्रतिनिधियों का अच्छा सपोर्ट रहा है, उन लोगों के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी बेगूसराय जिला के माननीय विधान सभा सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, वो लोग भी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ और मंडल पदाधिकारियों के साथ फील्ड में निकल के वो लोग भी अपील कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि किसी भी तरीके का अफवाह हमें ना पड़े, और वैक्सीनेशन बहुत लाभकारी है, क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव भी रहा है कि हम लोगों के जितने भी यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे इस कोरोना के समय में, उनसे ज्यादा एक्सपोजर किसी का नहीं रहा था, और टच वुड, और हम कहेंगे कि वैक्सीनेशन का भी उसमें बहुत अच्छा रोल था, यहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हालांकि लोग पॉजिटिव हुए लेकिन क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचा, और बहुत लॉजिकल भी है, आप वैक्सीन लेते हैं एंटीबॉडी बनती है तो कहीं ना कहीं से आप कोरोना वायरस से लड़ने में आपके बॉडी को सहायता मिलती है, तो जरूर इसका लें, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, तुरंत थोड़ी देर तक आपको आधा घंटा वॉच में रखा जाता है, और एक आध दिन हो सकता है हल्का फुल्का फीवर आए और कमजोरी है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी वैक्सीन में होता है, तो लोग वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से अपील करता हूँ वैक्सीन लें, और जितना जल्दी ले लेंगे उतना ही फायदा रहेगा। आपने सर कहा, सोशल मीडिया का जिक्र किया आपने, कि सोशल मीडिया से अफवाह फैल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा भी देखने को मिला है कि कई लोग ये फैला रहे हैं अफवाह कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति आ जा रही है, वैक्सीन लेने के बाद मौत हो जाती है, तो इन अफवाहों पर कैसे रोकते हैं, क्या कोई स्पेशल टीम आपने गठन की है? और दूसरा सवाल ये है इसी से जुड़ा हुआ कि सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत बड़ा हथियार है, तो इसका पॉजिटिव वे में किस तरीके से इस्तेमाल सरकार और प्रशासन कर रही है? नहीं, बिल्कुल, जैसे आपका ही सबसे पहले तो यही इंटरव्यू के लिए आपने पूछा, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यही आई कि इस इंटरव्यू के माध्यम से जो आपके सोशल मीडिया पे दर्शक होंगे वो लोगों को सही बातें, सही जानकारी उनको मिल पाएंगे, जो अफवाहों का खंडन मेरे द्वारा किया जा रहा है उसकी जानकारी मिल पाएगी, एक तो यही यूज हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पे कुछ रिलीजियस लीडर्स के साथ भी जिला स्तर पे मीटिंग किए, डॉक्टर्स की टीम के साथ मीटिंग किए, उन लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोगों की डॉक्टर्स की टीम भी, उन लोगों ने कहा कि अगर हम लोग टीम बना देते हैं उनकी, वो लोग भी जाके गांव वालों से अपील करेंगे, और जितनी तरीके के अफवाहें आ रही है, हम लोग की जिला स्तर के टास्क फोर्स है, हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कौन कौन सी अफवाह चल रही है, उसको तथ्यों के साथ डॉक्टर्स की टीम भी जाके लोगों के बीच उसको काटती है, तो लोग डॉक्टर्स की बात पे भी भरोसा करते हैं कि अफवाह है, कोई एक्सपर्ट आदमी अगर बोल रहा है तो उससे भी लोगों को भरोसा होता है। तो इस तरीके से हम लोग जितना भी आइटम, जितना भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट आता है जो अफवाह होता है, उसको हम लोग को जितना भी चैनल है जागरूकता फैलाने का, उस सभी के माध्यम से उसको काटते हैं। साथ ही साथ हम लोग का फेसबुक पेज है अपना बेगूसराय जिले का, ट्विटर हैंडल है, उन सबके माध्यम से भी लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, बहुत घाटा हुआ है, खासकर जो छोटे स्तर के दुकानदार और रेढ़ी वाले, ठेले वाले हैं, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में सर सबसे ज्यादा भीड़ भी बाजार में ही देखने को मिलती है, तो ये दो सिचुएशन आ गए, एक तरफ जहां भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनलॉक हो गया है राज्य में, और दूसरी तरफ वो अपना रोजी रोजगार भी चालू कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करते हैं? नहीं, इसमें इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना बीमारी का, देखिए, अगर रोजगार और इकोनॉमी को हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तब तो कंप्लीट लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा दें साल भर के लिए, तब तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन केवल समाधान नहीं होता है, लोगों का रोजगार भी चलते रहना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चलते रहनी चाहिए, तभी ये सस्टेनेबल होगा। इसीलिए एक बैलेंस बनाने की हमेशा जरूरत होती है कि कितना लॉकडाउन किया जाए, कितना रिस्ट्रिक्शन किया जाए, ताकि जो डैमेज हो रहा है लॉकडाउन से वो बहुत ज्यादा ना होने पाए। कहीं हमेशा परमानेंट लॉकडाउन लगा देंगे आप, बहुत लंबे समय के लिए लगा देंगे, तो ऐसा
ऐसा ना हो जाए कि जितनी ज्यादा हम लोग कोरोना वायरस से मृत्यु को बचा रहे हैं उससे ज्यादा मृत्यु बेरोजगारी से हो जाए, तो भुखमरी और बेरोजगारी से हो जाए। तो ये चीजें बहुत ही एक बैलेंस की जरूरत होती है और सरकार के द्वारा इसीलिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए लगाया गया था, इसलिए अनलॉक भी किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान लोग भुखमरी से ना मरे उसके लिए भी सरकार के निर्देश के आलोक में व्यवस्था की गई थी। सामुदायिक किचन यहाँ पे चलाए जा रहे थे, सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन चल रहे थे और जितने डीसी एचसी थे उसमें जो इलाजरत व्यक्ति थे उनके परिजनों के लिए भी हम लोगों ने देखा कि खाने की उनकी समस्या रहती है, तो उनके लिए भी सामुदायिक किचन चलाए गए थे। नगर निगम एरिया में ही अकेले 3 किचन चल रहे थे, तो ये भी सरकार के आदेश के आलोक में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई व्यक्ति भुखमरी से न मरने पाए। इसके अलावा जो पीडीएस के द्वारा राशन कार्ड दिया जाता है एनएफएसए के माध्यम से और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी फ्री राशन उनको दिया जा रहा था, मई माह का भी दिया गया है, जून माह का वितरण भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। तो सरकार के निर्देश के आलोक में कई सारे इनिशिएटिव इस तरह के लिए गए ताकि जो लॉकडाउन की वजह से जो निगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों के रोजगार पे इकोनॉमिक कंडीशन पे उसको काउंटर किया जा सके। और अभी धीरे धीरे एक्टिविटीज खुल रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों से अपील करूंगा कि लोग और जागरूक हों, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए भी सामान खरीदा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर क्रैम करके चिपक जाए, बिना मास्क के आप खड़े हो तभी सामान खरीद सकते हैं। और ये सावधानी हम लोग अगर लेते रहेंगे तो दोबारा वैसी नौबत ही नहीं आएगी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन करना पड़े और पूरी तरीके से जो आप ठेला वाले रेहड़ी वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उनका पूरा रोजगार बंद हो, ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी जो कुछ ठेला सब्जी वाले फल वाले इन लोगों को लिमिटेड समय के लिए ओपन करने का आदेश था ताकि थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी बनी रहे उसमें। देश में अगर बात करते हैं मौतों की कोरोना से तो मौतों के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं सर। हर दिन कम से कम 3 से 4 हजार मौतें हो रही हैं, यहां तक कि बिहार में भी संशोधन के बाद और मौतें बढ़ गई, 9 हजार के आसपास मौतें हो गई हैं। तो ऐसे मौत वाले माहौल में जो है आप फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, आप और प्रशासन के तमाम लोग, खुद को सकारात्मक कैसे रखते हैं और देश की जनता और राज्य की जनता जो है उसको कैसे संदेश देंगे खुद को सकारात्मक रखने के लिए? देखिए, एक कोरोना की महामारी एक ऐसा है, वाकई में बहुत ही कठिन समय था अभी जब केसेस ज्यादा थे और आगे भी चैलेंजेस आते रहेंगे जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, तीसरी वेव की भी संभावना है। और एक ऐसा समय होता है मैं समझता हूँ कि सभी लोगों में, ना केवल अधिकारियों में बल्कि जनप्रतिनिधियों में, मीडिया के भाइयों में, सभी आम पब्लिक में एक फाइटिंग स्पिरिट सबके अंदर होती है और मैंने देखा है कि लोग गिव अप नहीं करते हैं। तो सकारात्मक रहना बहुत कठिन नहीं था, जितने भी लोगों से हम लोगों ने उस समय पे जब बहुत चैलेंजिंग था जितने लोगों से किसी भी तरीके का कोई उनको डायरेक्शन दिया, किसी भी तरीके की सपोर्ट की मांग की, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहा और पूरा एक ग्रुप के रूप में बेगूसराय जिला में तो खुद हमने देखा ही, ग्रुप के रूप में चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, प्राइवेट डॉक्टर्स की, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने की बात हो, सभी लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया ऐसे चैलेंजिंग टाइम पे। जनप्रतिनिधियों से भी जितनी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, जितनी बातें की, सभी लोगों ने माना और एनजीओज भी कुछ थे, हालांकि उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा उनसे काम नहीं लिया जा सका, लेकिन जितना भी संभव था उस समय हम लोगों ने कहीं सामान कोई मंगाने में, किसी अन्य प्रकार की हेल्प करने में सभी संस्थाओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सोसाइटी के सभी लोगों ने इसमें बहुत मदद की। और मैं समझता हूँ कि किसी भी चैलेंज के लिए हम सभी लोग एकजुट हो जाते हैं तो उस चैलेंज को फेस हम लोग करने में सक्षम है। तो इसी सब भरोसे के कारण, इसी सहयोग के कारण लोगों के और सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के भी, प्रशासन का भी और हम मेरा खुद पर्सनली भी, कभी नेगेटिव कभी एटीट्यूड नहीं आया। और जो मौतें हुई है निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन जितना भी प्रयास हो सका हमारे डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, हमारे प्रशासनिक टीम ने प्रयास किया और हम लोगों ने इंश्योर कराया कि पूरे महामारी के दौरान कभी किसी को ऑक्सीजन बेड की कमी ना होने पाए और लोगों में पैनिक ना हो, इसके लिए डेली मीडिया में प्रेस रिलीज भी करते थे कि कितना बेड हमारे पास निजी में, कितना प्राइवेट सरकारी में उपलब्ध है ऑक्सीजन के बेड और कितना भी एडमिटेड है, तो खाली कितना है ये डेली मीडिया में भी देते रहे और कभी ऐसा समय नहीं आया कि हम लोगों के सभी बेड 100% भर गए हों। और दूसरी बात, ऑक्सीजन बेड पे जो लोग एडमिटेड थे, चूंकि संख्या बढ़ती जा रही थी तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोगों के यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई हो। हम लोगों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा भी कोऑर्डिनेशन से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी मिलता रहा, साथ ही यहाँ पे लोकल एक ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग शुरू करा दिए थे ससमय, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी के कारण की कोई मृत्यु हुई हो।
तो लोगों को सहयोग के कारण हम लोग काफी हद तक उसको चैलेंजेस का सामना किए हैं और जो मृत्यु हुई है निश्चित रूप से दुखद है और भी हम लोग अगले वेव की और तैयारी के लिए भी हम लोग सरकार के निर्देश के आलोक में और काम कर रहे हैं और तो इंश्योर करा रहे हैं कि सभी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में खुद का PSA ऑक्सीजन प्लांट वहां पे लग जाए ताकि बाहर की निर्भरता भी ना रहे और निजी अस्पतालों से भी रिक्वेस्ट किया गया है अगर उनके पास स्पेस है तो भी ऑक्सीजन प्लांट लगवा लें और मैं समझता हूं कि अगले 1 से 2 महीने में हमारे सदर अस्पताल में और सब डिविजनल हॉस्पिटल टेगड़ा में 100 बेड का है सब डिविजनल हॉस्पिटल बलिया में 100 बेड का है इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट के साथ पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी ट्रीटमेंट के लिए। बिहार राज्य में खासकर एक मुख्य समस्या देखने को मिली है खासकर शादियों में। शादी में जहां तक सरकार की तरफ से 20 लोग ही अलाउ है मैक्सिमम, ऐसे में 200-250 लोग देखने को मिले हैं, मान ही नहीं रहे लोग। तो ये शादी वाला एक इससे भी बहुत समस्या हो सकती है आने वाले समय में। तो ये शादियों में जो समारोह हो रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल ही सरकार का स्पष्ट डायरेक्शन था और लोगों के भले के लिए था कि 20 व्यक्ति ही भाग लो। उसमें डायरेक्शन भी था कि जो कहीं पे शादियों का आयोजन होना है तो संबंधित थानों को 3 दिन पहले सूचना दे दें और यहाँ पे जो लोग सूचना देते थे उसका भी हम लोग खबर लेते थे कितने लोगों ने भाग लिया और कहीं से कोई सूचना नहीं भी देता था तो हम लोग किसी अन्य स्रोत से अगर मिलती थी सूचना तो हम लोगों ने बहुत मामलों में FIR भी कराया है इस उल्लंघन के कारण। और मैं समझता हूँ कि केवल FIR कराना इसका समाधान नहीं, इसमें लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन है उसका 100% आप खुद पालन करेंगे तभी हम लोग इसको कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंक पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते आखिरी में बेगूसराय जिले की जो दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक हैं और बाकी देश की जनता है उसको क्या संदेश दें? संदेश कम बल्कि अपील मेरी यही रहेगी कि अभी केसेस कम हुए हैं, मैं रिपीट भले कर रहा हूँ रिपीटेशन के कॉस्ट पे बोलूंगा कि भीड़ ज्यादा ना लगाएं। आप बाहर निकल रहे हैं जब जरूरत हो तभी निकलें, मास्क अवश्य पहने और ठीक तरीके से पहने, ये नहीं हो को बोलते समय नाक के मुंह के नीचे कर ले, हमेशा सही करें। अगर मास्क आप देखे भी होंगे बोलते समय हिलने से आता है, मैं ऊपर तुरंत करता हूं, तो पूरी तरीके से सही से पहने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। गाड़ियों में अगर सार्वजनिक गाड़ियों में बैठ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दें कि 50% का डायरेक्शन है उतना ही बैठे, क्योंकि कई ड्राइवर्स की शिकायत रहती है पैसेंजर जबरदस्ती बैठ जाते हैं, तो अगर 50% भर गई है तो उससे ज्यादा ना बैठे क्योंकि क्राइम स्पेस में ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। इसके अलावा हैंड साबुन से हाथ धोते रहें समय समय पर, बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर हाथ में रखें, हाथ को भी सैनिटाइज करते रहें। और जो वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है फ्री में मुफ्त में जो दिया जा रहा है, मैं लोगों से अपील करूंगा किसी भी तरीके का अफवाह में ना पड़े और जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करा लें। अब 18+ और 45+ दोनों ही कैटेगरीज में जो बीच में 18+ के लिए प्री बुकिंग का मैंडेटरी किया गया था उसको भी फ्री कर दिया गया है, जो भी नजदीकी सेशन साइट है उस पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा लें ताकि हम लोग आप लोग सावधानी बरतेंगे लोग तो कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। इनकेस अगर कोरोना होता भी अगर आप वैक्सीन लिए रहेंगे बहुत उससे सुरक्षा रहेगी, क्रिटिकल नहीं होने पाएगा मामला। बस मेरी यही 2 अपील है और इतना अगर बेगूसराय के निवासी इसका अनुपालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के केसेस यहाँ पे बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और किसी को होगा भी तो क्रिटिकल नहीं होगा। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारी कोरोना जागरूकता मुहिम जो है ये लगातार चलती रहेगी। देखते रहिए DN इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।